सेकंड क्वेश्चन है उदाहरण मुजब वाक्य में प्रयोग करो। देड़को देड़को पानी में ड्राउन ड्राउन करे छे। तो उसी तरह अपने को चकली, तो चकली क्या करती है? चीची। तो क्या लिखना है? चकली ची 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 करे छे। उंदर, उंदर कैसा बोलता है? चू चू। तो अपने को क्या लिखना है? उंदर चू 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 करे छे। कबूतर, कबूतर कैसा बोलता है? गु गु ऐसा करता है। तो लिखना है कबूतर गु 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 करे छे। बमरो, तो बमरा गुन गुन ऐसा करता है। तो लिखना है बमरो गुन 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 करे छे। कागड़ो, तो कागड़ो क्या क्या करता है? का का का। तो क्या लिखना है? कागड़ो का 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 करे छे। अभी वर्गखंडनी बारी माची शू देखा जाए तेनु वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर थ्री है, तो उसमें क्या लिखा है? वर्गखंड यानी कि क्लासरूम। तो अभी तो तुम लोग सब घर पे हो, तो तुम लोग को घर के बाहर खिड़की में से घर के बाहर देखना है और तुम लोग को क्या क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में तुम लोग को पांच वाक्य लिखना है। इसके बाद नीचे ना चित्र नो अवलोकन करी प्रश्नों ना जवाब लखो। यानी तुम लोग को ये पिक्चर दिया है उसको देखना है और उसका क्वेश्चन आंसर लिखना है। चित्र चित्र सानू छे के पिक्चर किसका है? तो एक लड़का एक लड़की क्या कर रही है? एक झाड़ लगा छोड़ लगा रही है और लड़का उसमें पानी डाल रहा है। तो अपन उसको बोलेंगे आ चित्र वृक्षारोपण नु छे। वृक्षारोपण बराबर, यानी कि आ चित्र वृक्षारोपण नु छे। छोड़ कौन रोपे छे? कि छोड़ को कौन लगा रही है? तो लड़की। तो गुजराती में क्या लिखेंगे? छोड़ छोकरी रोपे छे। छोकरो शू करे छे? छोकरो यानी कि लड़का। तो लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का क्या है? पानी डाल रहा है। तो लिखना है छोकरो छोड़ने पानी नाखे छे। तमने कितना वृक्षो दिखाई छे? तो जो पिक्चर दिया उसमें अपने को कितना वृक्ष दिखाई दे रहा है? तो एक दो तीन चार पांच छ छे। तो लिखना है हमने छ वृक्ष दिखाई छे। चित्र द्वारा आपने सी सीख मरे छे? कि चित्र के बारे में अपने को क्या सीख मिलती है? कि आपने वृक्ष वावा जोइए। वृक्ष विषय बीचा बे सूत्र लखो के वृक्ष वावो वरसाद लाओ। वृक्ष एटले धरती नो शनगार, ऐसा वाक्य तुम लोग को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष में आपेला शब्दों ने आधारे खाली जगह पूरो। यानी कि उंदर, तो उंदर नु रेटान, उंदर के रेटान को क्या कहते हैं? तो उंदर किस में रहता है? दर में रहता है। किस में रहता है? दर। वाग वरु नु रेटान, वाग और वरु तो किस में रहता है? वो बोर्ड में रहता है। पंखी झाड़ पर रहवा बांधे छे ते, के पंखी झाड़ पर रहने के क्या बांधती है? माड़ो। बकरी गेटा ने जा पूर्व में आवे छे ते, तो बकरी और गेटे को रखते उसको क्या बोलते है? वाड़ो। मानस नु रेटान, मानस जो रहता है वो क्या है? घर। घर में रहता है इंसान। साप नु रेटान यानी कि राफड़ो। दो आपेला शब्दों माथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जग्या पूरो। यानी कि आप लोगों को शाकभाजी पंखी रंग ऋतु मास फल और संबंध, यानी ब्रैकेट दिया है। अभी जनवरी फेब्रुआरी मार्च उसको क्या बोला जाएगा? मास कहते हैं। मास यानी कि महीना। सफरजन डाड़म कैरी वो क्या है? फल। तो उसको क्या बोला जाएगा? फल। रातो पीड़ो लाल वो क्या है? रंग। सियाड़ो उनाड़ो चौमासु उसको बोला जाएगा ऋतु। काका फुआ मासी वो क्या अपने का संबंध है? संबंध यानी कि रिश्तेदार है वो। दूधी करेला भिंडा वो सब क्या है? साग भाजी। मोर पोपट और काबर वो सब क्या है?
पंखी, यानी कि अपना फर्स्ट लेसन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ है। तो सभी को नोटबुक में कल स्टोरी लिखने बोला था पूरा, अभी क्वेश्चन आंसर ए लिखना है, नंबर टू ए और ए दोनों, यानी सिक्स तक पूरा कंप्लीट करना। शुरू था घर में वस्तु ना नाल हो, यानी तुम लोग कोई भी कैसे शुरुआत हो, ऐसे कौन सी घर में वस्तु है उसका नाम लिखना है। एग्जाम्पल जैसे कि क, क से है तो कबाट, बराबर तुम लोग के घर पे कबाट होगा तो कबाट, बाद में दर एक वस्तु ने क्या यानी उसके बारे में एक वाक्य बनाए कबाट, तो कबाट में कपड़ा मुकवामा आवे छे, ऐसा बाद में जो वस्तु पांच लिखेंगे उसका वाक्य भी बनाना है। ओके थैंक यू।